मैं गलत आ गया यार, नीचे खाली पीली का बस लावा पूल है। ओहो हो, प्यारे प्यारे डायमंड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, इसको कलेक्ट करके मुझे फेंकना है लावा में। क्या बोला तूने? कलेक्ट करके मुझे फेंकना है लावा में। मैं जा रहा था माइनक्राफ्ट में एक दिन, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। दिन ऐसा है कि मुझे डायमंड फेंकते हुए भी बिल्कुल शर्म ना आए। लेट्स गो, मतलब शर्म ना आए मींस अभी अभी मेरे को इन सब चीज की जरूरत नहीं है। डायमंड ने यार अपने लिए मजाक हो रखा है यार इस टाइम पे। दिल से बुरा लगता है यार। बात बताओ कि क्या स्मार्टीफाई इस वक्त इंडिया का सबसे अमीर माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं है? तुम लोग मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पास एमरल्ड्स है, मेरे पास आयरन है, मेरे पास गोल्ड है। अरे तो क्या करूं ना, अभी बदद है भाई, अभी बदद है। A few inches later, अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ मैं एमरल्ड्स के साथ। तो सबसे पहले गाइस नीचे आएगा हमारा 9x9 का ब्लॉक, एंड देन 7x7 का ब्लॉक, एंड देन 5x5 का ब्लॉक, देन 3x3 का ब्लॉक, एंड ओवरऑल 164 ब्लॉक्स। सो गाइस ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट का इंतजार तुम लोग कर रहे थे। तुम लोग देख रहे हो मेरे सामने कितना सारा माल पड़ा हुआ है। यहाँ से एक चीज प्रूव हो चुकी है कि भाई स्मार्टीफाई दुनिया का सबसे अमीर माइनक्राफ्ट प्लेयर है। तुम लोगों ने देखे किसी के पास इतने सारे? तुम लोगों ने क्या कभी किसी के पास देखे इतने सारे एमरल्ड के ब्लॉक? रुक जाओ जरा एक मिनट, इसको जला के देखते हैं, ठीक है? बहुत गंदा लैग हो रहा है, बट लेट्स सी। ओके, मैं मर ना जाऊं इसके चक्कर में। साले तू, अरे नहीं भाई, ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो जादू ही हो गया। हमारे पास लिटरली खाने की तो कम। अरे हट जा भाई। Another one. 64 है, वो है आई ऑफ एंडर है, फिर भी एक के लिए रुक रहा हूँ कि वो कब वापस आएगी, तब जाके भाई मैं तो ऐसे कर सकता हूँ कायदे से। ये देख रहा हूँ ये Later. अभी मुझे पता नहीं कि मेरे पास इधर कितना ट्राइडेंट है, बट आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट। मेरे पास इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्राइडेंट। क्या मुझे एटलीस्ट 2 ट्राइडेंट मिलेंगे जिससे मेरे पास 10 ट्राइडेंट मिलेंगे? भाई कितने सारे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ट्राइडेंट्स, 15 ट्राइडेंट्स भाई। ओपे भाई, मैं ट्राइडेंट्स का दुकान खोल सकता हूँ। बात तो सही है। साइड किया कि मैं अपने लिए एक अमीरों वाला बेस बनाऊंगा, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। डे 100 की शाम तक मेरा एक छोटा सा पर बहुत ही ज्यादा महंगा वाला बेस बन के रेडी हो चुका था। और इस गुड मॉर्निंग, मैं सब डायमंड्स एक साथ रखने वाला हूँ और बस देखने वाला हूँ इसको। 32 डायमंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट टू थैंक माई मम्मी जिसने मुझ पे विश्वास रखा। आई वांट टू थैंक माय पापा जिन्होंने बोला कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत पैसे वाला बनेगा। एंड आई वांट टू थैंक माय, इसका नाम नहीं रखा मैंने, तेरा नाम क्या है रे? इसको अगर मारा तो ये थूकता है, नहीं तो उल्टी करता है, तेरा नाम उल्टी होगा। आई वांट टू थैंक माय उल्टी। चलो अंदर, वो पल आ चुका है, डायमंड आर्मर। यस, फाइनली मेरे पास भी डायमंड आर्मर आ गया। सच बता रहा हूँ, जब मैंने माइनक्राफ्ट चालू किया था खेलना, मुझे लगा था ये डायमंड आर्मर वगैरह मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ए भाई कैसा दिख रहा हूँ मैं? चुम्मा दे चुम्मा। मेरा पट लेवल 66 पर था और एक ही फटके में 72 तक पहुंच चुका है। लेट्स गो। तो एकदम से गाइस फुल ऑन लूट मार करने के बाद मेरे पास टोटल 3 बिलियन कॉइंस आ चुके हैं। हां हेलो हेलो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। को अभी मेन चीज बेचनी है और वो है अपने डायमंड्स ब्रो। ये चीजें बेचो तो हम तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तो आंटी जी के ऊपर क्लिक करेंगे, फटाक फटाक 13 मिलियन मुझे इसके मिल रहे हैं। टोटल हमने आज मिंगलुओ से 70 मिलियन, तो 70 या 80 मिलियन
हड़प लिए। क्या देखने मिलता है भाई, पूरे के पूरे एंचेंटेड आर्मर्स मैंने रखे। चपाती भाई ने जो नॉर्मल सा सीक्रेट बेस मुझे दिखाया था उसमें इतने नॉर्मल से आर्मर्स थे, और ये देखो भाई, इसको कहते हैं एक्चुअल सीक्रेट बेस गाइस, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे एंचेंटेड आर्मर्स। और ये गोल्डन एप्पल्स तो भाई हमेशा की चीजें मेरी।